दोस्तों रेडबुल पियो और आपको मिलेगी उड़ने की शक्ति। यही कहते हैं ना ये रेडबुल वाले एडवर्टाइजमेंट वाले कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स। रेडबुल रोज पियो, रेडबुल एनर्जी ड्रिंक रोज पियो और पाओ 5 मिनट की उड़ान। अरे क्या करना है 5 मिनट की उड़ान से? आप तोता हो, कौआ हो, आपको उड़ना है? नहीं उड़ना ना, क्या करना है इस एनर्जी ड्रिंक से 5 मिनट की? चलिए देखते हैं इसका क्या क्या नुकसान है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि रेड बुल वाकई में क्या अच्छा है, अगर नहीं है तो क्या है इसके नुकसान, क्या ये क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकता है अपने शरीर में। वैसे मैं यही काम करता हूँ, ऐसे ऐसे ब्रांड की बताता हूँ जो आप रेगुलरली यंगस्टर्स जो यूज़ करते हैं और वो फ्यूचर में बन सकती है आपके लिए घातक। सबसे पहले चलिए नज़र डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। दोस्तों रेडबुल का एक कैन लगभग 250 ml की पैकिंग में आता है और उस 250 ml की पैकिंग में आपको लगभग 30 ग्राम मिलती है आपको शुगर, जो कि बराबर है लगभग 10 चम्मच चीनी के बराबर। और इसी के साथ साथ कैफीन लगभग 75.8 मतलब 76-77 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इसके अंदर आपको एक कैन के अंदर मिलेगा। दैट इज इक्वल टू 1 कप ऑफ डार्क ब्लैक कॉफ़ी। डार्क मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत सारी कॉफ़ी डाली हुई है, एक कप के बराबर है। मतलब दोस्तों आप जो 100 रुपये खर्चते हैं इस 250 ml में, उसमें आप 10 चम्मच चीनी दबा के कैफीन और भरपूर केमिकल्स पीते हैं जो कि आपको देता है 5 मिनट की उड़ान। और फिर वो आपको जो 5 मिनट की उड़ान जो है वो धीरे 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 इतना ऊपर पहुंच जाती है 5 मिनट की उड़ान कि वहां से फिर आप धंग करके नीचे गिरते हो और आप डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं है नॉलेज इन जो केमिकल इंग्रेडिएंट ये क्या क्या कॉज करती हैं। आपको तो यही लगता है इट इज़ वेरी कूल, आई एम ड्रिंकिंग द रेड बुल, बट इज़ इट रियली गुड? क्या ये वाकई में बहुत अच्छा है? नो, आई डोंट थिंक सो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। चीनी और ये कैफीन के अलावा इसके अंदर ऊपर से और चीज़ें डली हुई हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, एमल्सीफायर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स और इसके ऊपर भरपूर एडिटिव्स, कलर्स और फ्लेवर्स जो आर्टिफिशियल हैं वो चीज़ें इसमें डली हुई है। अब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स और इसी के साथ साथ एमल्सीफायर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स के क्या क्या नुकसान है मैंने आपको बता रखे हैं, याद है ना क्या क्या? कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें याद है ना आपको? ये सारी चीज़ें कॉज करती है इसके ऊपर। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी भरपूर प्रेजेंट है, यानी और नुकसान। अरे कितना नुकसान झेलोगे? ये 100 रुपये की पैकिंग आप खरीदते हो 100 रुपये और इसको 100 रुपये दे के आप खरीदते हो और फिर पीते हो और फिर ऊपर 5 मिनट के लिए उड़ते हो, ऐसी एनर्जी ड्रिंक का क्या करोगे? इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में रेड बुल जो है काफ़ी टाइम तक बैन रहा था। US जिस मार्केट में ये बना था वहाँ पर ये बैंड है, तो इंडिया में ये अनबैंड क्यों नहीं होना चाहिए? वो लोग इवन ये जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि कोलगेट है वो US में बैंड है, लेकिन इंडिया में भरपूर यूज़ होता है क्योंकि इंडिया के मार्केट ही ऐसी है ना। इंडिया के मार्केट में लोगों को क्या चाहिए? ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों को कर सके बीमार, ताकि पैसे बन सके लोगों के। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें बंद कर दो, बहुत ही नुकसानदायक है, बर्बाद हो जाओगे। बहुत ही फेमस डायलॉग है ना आजकल। तो दोस्तों इससे बेटर क्या है? ये आप 100 रुपये देखे 250 ml की ये पैकिंग पीने से अच्छा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो सिंपल नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी जो है जो पानी गर्म करके एक कप में ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी का डाल के उसको पीजिए, नॉर्मली पीजिए, जो 2 से 3 रुपये का बनता है। आप 100 रुपये कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? 2-3 रुपये में अच्छी चीज़ बन रही है जिसके अंदर ना चीनी है, ना कोई एडिटिव कलर्स है, ना ही कोई एडिटिव फ्लेवर्स हैं, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं, ना ही कोई एमल्सीफायर्स हैं। इनसे ज़्यादा बेटर है, आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा। एंड इवन इसको अगर आप लिमिटेडली लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीने लगेंगे, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक टाइम पे मैं बहुत हद से ज़्यादा
ब्लैक कॉफ़ी पीने लग गया था, मतलब दिन के 10-10 12-12 कप पीने लग गया था, और मुझे उसके नुकसान झेलने पड़े। मुझे अंदर से एंजाइटी होने लगी, यानी एक डर सा महसूस होता है ना, एंजाइटी पैदा होने लगी। दैट वॉज द साइड इफेक्ट ऑफ द ब्लैक कॉफ़ी, एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, क्योंकि हद से ज़्यादा पीने से शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। तो वो भी आप लिमिट में लीजिए, और रेड बुल को बंद कर दीजिए, सुन लीजिएगा, ठीक है? रेड बुल को बंद करके उसको बाहर फेंक दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। अभी तक आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। नमस्कार।